डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। उन्होंने अध्यापन को और अध्यापक वर्ग को एक नई चेतना दी, नई दिशा दी। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ऐसा कोई भाग नहीं लिया जो स्वतंत्रता सेनानियों के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की तरह है, लेकिन उन्होंने देश के लिए एक नया पढ़ाई के अंदर, सेवा के अंदर एक नया आयाम जो है वो स्थापित किया। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली और फिर मद्रास में ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ नियुक्त हो गए। इतनी छोटी अवस्था में, और जब वो पढ़ रहे थे तो उनके एक कज़न जो थे उससे उन्होंने किताबें ली जो उनसे सीनियर थी। उनके दर्शन की फिलोसफी की बुक्स थी और फिलोसफी का इंटरेस्ट, हालांकि वो फिलोसफी के स्कूल नहीं थे पहले, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ करके ही उनको एक फिलोसफी की रुचि जागी और भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को जो नया रूप उन्होंने दिया उन फिलोसफी की जो उन्होंने किताबें लिखी बाद में, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडियन फिलोसफी के ऊपर उन्होंने लिखा, और उनको 36 से लेकर के वो एक प्रोफेसर रहे कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 16 वर्ष। आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसके भी वो सदस्य बनाए गए, और मदन मोहन मालवीय जी ने जब 1916 में काम शुरू किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का और 1919 से 1939 तक वो उसके वाइस चांसलर रहे, उसके बाद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे 48 आज़ादी के बाद। यूनेस्को में वो मेंबर रहे, रशिया में जो उन दिनों एक आयरन कर्टन के नाम से जाना जाता था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ स्टालिन जैसे जो डिक्टेटर थे एक तरह से, उनसे आंख मिला के बात नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसे जाकर के आशीर्वाद दी और वो बहुत प्रभावित हुआ उनके व्यक्तित्व से। प्रोफेसर के रूप में कहते हैं कि जब वो क्लासेस लेते थे तो दूसरे क्लासेस के विद्यार्थी अब उन कक्षाएँ छोड़ करके उनके कमरे में आ जाते थे, और कई बार जो कमरा इतना खचाखच भरा होता था कि बाहर खड़े होकर के, दरवाजे में खड़े होकर, खिड़कियों से खड़े होकर के उनके भाषण को सुनते थे। और आज़ादी के बाद जब 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया और 52 में जब इलेक्शन हुए तो विधिवत रूप से एक तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत लंबे अरसे तक राष्ट्रपति गृह में काम करने का अवसर मिला 12 वर्ष तक, लेकिन 52 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर 1957 में फिर उनको दोबारा इसी पोस्ट पर नियुक्त किया गया। 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रिटायर हुए जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके, उसके बाद 62 में जब विधानसभा के पार्लियामेंट के तीसरी बार चुनाव हुए 52, 57 और 62 में, तो इनको देश का सेकंड राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया, उनको मौका मिला वहाँ पर। 1954 में जब भारत रत्न उनके पारितोषिकों का एक स्थापित किए गए भारतवर्ष में, तो 1954 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे। हालांकि 3 व्यक्तियों को उस वक्त भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन राधाकृष्ण जी का नाम उसमें प्रथम आता है। एक राष्ट्रपति के रूप में जिस
तरह से उन्होंने काम किया। जब उनको भारत रत्न मिला, नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये सबसे बढ़कर एक दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं और एक मार्गदर्शक हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखेंगे। तो जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया 62 में, तो इनके कुछ जो मित्र थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आपका जन्मदिन ये मनाएंगे। उन्होंने कहा था कि देखिए, मेरा जन्मदिन मनाने की अपेक्षा बेहतर होगा कि आप इस दिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और तब से शिक्षक दिवस के रूप में इस देश को, इस दिवस को मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान दिया और साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी दी। चुनौती ये दी कि आने वाली पीढ़ियाँ एक ऐसे शिक्षक बने, आने वाली पीढ़ियों में जो शिक्षक हों वो एक अपना कार्य इस समर्पण भाव से करें जिस समर्पण भाव से डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन में ये काम किया। बहुत से प्राइजेज इनको मिले और लास्ट में जब टेम्पलटन प्राइज मिला तो इन्होंने वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सारे का सारा पैसा दे दिया। तो इतने त्याग की मूर्ति मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इनका जो 48 में जब ये यूनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुझाव इन्होंने पेश किए और वो आज भी सुझाव जो है हमारे लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। देश ने एक दुनिया को ऐसा प्रोफेसर दिया जो 16 वर्ष तक विदेश में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे। बहुत बड़ा नाम इनका रहा राजनीति के क्षेत्र में, वो राजनीतिज्ञ की तरह नहीं रहे, राजनीति के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक की भूमिका रूप में रहे, एक शिक्षक की भूमिका के रूप में रहे और इन्होंने इस शिक्षक को बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं समझता हूँ कि इसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो शायद इन्हीं लोगों की प्रेरणा थी कि राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद ये शिक्षक बने। और उसकी उस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महान विभूतियों का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा वहाँ काम करती है। मैं समझता हूँ कि इस दिवस को हम सही रूप में मनाएं और ये जो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में दो तरह का एक तरह से इंटरवेंशन मैं समझता हूँ। पहली है कि सरकारी क्षेत्र में राजनीति की गल हो गया है और जो निजी क्षेत्र है उसमें व्यापारीकरण बढ़ गया है, तो इस पर चेक लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि शिक्षा एक सही दिशा में चले। क्योंकि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र के नागरिक करते हैं और शिक्षा उन नागरिकों का निर्माण करती है। और शिक्षा के लिए शिक्षक कैसा हो मैं समझता हूँ एक हमारे लिए बहुत सजग प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। वो एक लेखक के रूप में हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में हैं, राष्ट्रपति के रूप में हैं, एक शिक्षक के एक दार्शनिक की भूमिका के रूप में है। विशेषकर जो इन्होंने गीता के ऊपर लिखा है वो बहुत विस्तार से लिखा है। गीता का जो संदेश है वो कर्म का संदेश, वही कर्म का संदेश इनके जीवन में साकार रूप से उतर है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो एक शिक्षक के लिए है कि शिक्षक स्वयं क्या है, क्या पढ़ाता है एक अलग विषय, लेकिन वो स्वयं क्या है वो बात सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट्स के बिहेवियर। तो और ये बात हमें अगर कोई एक आदर्श शिक्षक से हो सकती तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनके जन्मदिवस पर मैं समझता हूँ इससे बड़ा उनके लिए और क्या हम ये कर सकते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन पर चलें और इस देश को एक सही दिशा दें ताकि ये देश उन ऊंचाइयों को छुए जिन ऊंचाइयों की कल्पना इन लोगों ने की और जिनके लिए इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। धन्यवाद।